पूर्व मंत्री ओम प्रकाश सिंह शनिवार को पूरे फॉर्म में नजर आए। कोरोना संक्रमण के इस काल में मजदूरों की दुर्दशा से लेकर हाल के दिनों में नेपाल और चीन की हेकड़ी तक पर उन्होंने सरकार को ललकारा है। अपनी प्रेस वार्ता में उन्होंने लगातार पेट्रोल डीजल के महंगे होने को लेकर सरकार को लताड़ लगाई। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि समाजवादियों के नेता जयप्रकाश नारायण और मधु लिमये जैसे लोग रहे हैं। उन्होंने भाजपा की केंद्र और प्रदेश सरकार के अलावा आरएसएस पर भी हमला बोला। चाहे जयप्रकाश जी हो, चाहे लोहिया जी हो, युवा आंदोलन में मधु लिमये जी हो, जयप्रकाश जी हजारीबाग जेल से भागे थे, वो हमारे पितामह हैं, समाजवादियों के अगले कतार के नेता रहे हैं। चंद्रशेखर जी सत्ता में रहकर भी विरोध करके जेल में गए, तो समाजवादियों की परीक्षा कौन लेगा? भारतीय जनता पार्टी। ये आरएसएस के लोग जब जंग की देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी थे तो ये ओक्का बोक्का खेल रहे थे। ये लूडो खेलने वाले लोग थोड़ी लड़ेंगे। हम किसान के बेटे, गाँव के बेटे, हम डरते नहीं जेल जाने से। हम आज भी नहीं डरते और कल भी नहीं डरेंगे। जब तक जिंदा रहेंगे, जब तक शरीर में खून रहेगा, समाजवादी हम उस क्रोधा के लोग हैं जिनका इतिहास आज नाम रहा है। इसलिए डरने का सवाल ही नहीं। हमने भैया से कहा डर रहे, भैया हम पर हो चुका है जिन चीज़ से, हम कहीं डर नहीं रहे हैं। हाल में बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम को लेकर भी उन्होंने सरकार को घेरा। पूर्व मंत्री ने कहा कि सरकार के इस कदम से हर चीज महंगी हो गई है। एक बात याद रखिएगा, हर चीज महंगा। ढुलाई कहाँ से होती है, खेती कहाँ से होती है, बिजली पूरा नहीं है तो उसका पावर कहाँ से जनरेट होता है। पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ा, ये कभी ये मत सोचिए ये केवल पेट्रोल डीजल बढ़ रहा है, जबकि चौतरफा सब्जी से लगाए, चावल से लगाए, आटा से लगाए, मसाला से लगाए, जितनी भी आवश्यकता है वस्तुएं हैं, सब्सिडी खत्म हो गई। पिछले दिनों नेपाल पुलिस के भारतीय नागरिक पर गोली चलाने की घटना पर भी ओम प्रकाश सिंह खूब बिफरे। उन्होंने सीधा सवाल किया कि हम तो 56 इंच का सीना खोज रहे हैं। आइए सुनते हैं पीएम मोदी पर उन्होंने क्या कहा। कई बार नेपाल जैसा देश भी भारत के किसानों पर आक्रमण कर रहा है, इससे बड़ा दुखद दुर्भाग्य हम तो 56 इंच का सीना खोज रहे हैं। जो सीना चीन के आगे भी नतमस्तक है, नेपाल जैसे छोटे देश के आगे भी नतमस्तक है, और पाकिस्तान तो मान लीजिए इस लॉकडाउन में भी उसके आतंकवादी भेजने से बाज नहीं आ। तो मैं पूछ रहा हूँ कि सरकार है कहाँ? सरकार दिखाई नहीं देती है कि लाल है कि पीला है कि हरा। सरकार अपने कार्यों से जनता को महसूस कराने का काम करती है कि मैं आपकी सरकार हूँ। तो देखा आपने, पूर्व मंत्री ओम प्रकाश सिंह के निशाने पर प्रदेश से लेकर केंद्र तक के मुखिया रहे। कोरोना संक्रमण के समय राजनीतिक गतिविधियां भी कम हो गई थी, लेकिन अब सरकार ने लॉकडाउन हटाया है तो ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में गाजीपुर में राजनीतिक दांवपेच दिखेंगे, जिनकी शुरुआत आज पूर्व मंत्री की तरफ से हो गई है। गाजीपुर की और भी ऐसी ही खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।